हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। मैं आपके साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स शेयर करने वाली हूँ और कुछ ऐसे कूल गैजेट्स के बारे में बताऊँगी जो आपके घर के काम को बहुत ही आसान बना देंगे। और इसके बाद बनाऊँगी हैंड क्रीम जो आपके हाथों को बना देगा मुलायम। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहली टिप है कि बॉटल में लगे हुए ये चिपचिपे से दाग अगर आपसे नहीं निकलते, इन्हें कितना भी रगड़िए और साफ़ नहीं हो रहे, तो आप यूज़ कीजिए नेल पॉलिश रिमूवर, जी हाँ थिनर। इसे आप एक कॉटन के टुकड़े पर लगा लीजिए और इसे रब कीजिए और देखेंगे आप कि धीरे धीरे ये ग्लू जो लगा हुआ है ये आराम से निकल जा रहा है, आसानी से साफ़ हो जा रहा है। और इसे आप किसी भी बॉक्स पर या कांच के जार पर जिस पर भी ये निशान हो आप यही ट्रिक यूज़ कीजिए। थिनर को आप एक कॉटन पर लगाइए और इससे आप साफ़ कर लीजिए। स्विच बोर्ड पर भी कभी दाग रह जाते हैं, वो भी इससे बहुत अच्छे साफ़ हो जाएंगे। अब ये बॉटल जब साफ़ हो गई तो आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। मैंने इस पर कुछ आर्ट वर्क किया और इसे लाइट लगाकर डेकोरेट किया है और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह क्लीन होने के बाद ये बॉटल्स ऐसी डेकोरेटिव बन सकती हैं। देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है, आपका होम डेकोर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और सस्ते में हो जाएगा। अब दूसरी टिप है शैम्पू के बॉटल को हैंगर पर टांगना। इसे जब भी हम किसी रैक पर रखते हैं तो ये लुढ़क जाते हैं, तो इस तरह के शावर जेल हुक आते हैं जिन्हें आप आसानी से दीवार पर लगा सकते हैं। इसके साथ ये मैनेजेबल एक और सर्कल आता है जिसे बॉटल छोटा या बड़ा हो तो लगा सकते हैं। इसके साथ आएगा ये स्टिकर, इसे आप वॉल को साफ करके इस पर चिपका दीजिए और जब ये अच्छे से स्टिक हो जाए, दीवार सूखी होनी चाहिए, और इसके बाद आप इसे फिट कर दीजिए। इसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे स्टिक कर दीजिए और ये होल्ड हो जाएगा। इसमें आप शैम्पू की बड़ी बॉटल जिसे आप कहीं भी रख नहीं पाते, हैंड वॉश की बड़ी बॉटल या शावर जेल की बॉटल आराम से इसमें हैंग कर सकते हैं और बाथरूम में आपको हर जगह इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं, ये हमेशा आपको अपनी जगह पर मिलेगा। तीसरा हैक है ये शू हैंगर। हम जूतों को ऐसे बालकनी में ऐसे रख कर सुखाते हैं या आंगन में सुखाते हैं, इससे ढंग से सूख नहीं पाते, तो हम इन्हें इधर उधर घुमाते रहते हैं। तो इसके लिए ये हैंगर बहुत ही अच्छा है, ये ऐसे फोल्ड हो जाता है और इसे जब आपको शूज़ टांगने हो तो आप इसे ऐसे खोल दीजिए और इसमें फोर शूज़ आ जाते हैं, मतलब दो पेयर आपके आसानी से आ जाएंगे। इसे आप किसी भी हैंगर पर या बालकनी में कहीं पर भी आप टांग दीजिए और ये चुपचाप इसमें हवा लगती रहेगी, सूखता रहेगा, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि जूते सूख नहीं रहे। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है घर में अगर जूते आपको धो के सुखाने के लिए रखने की जगह नहीं है या घर में धूप नहीं आती और आपको हवा में ही सुखाना है, तो आप इसे कहीं पर भी उठाकर टांग दीजिए और शूज़ आपके परफेक्टली सूख जाएंगे। अगला हैक है आप जब भी बर्तन धुले तो इस तरह के टब का यूज़ करें। बारिश में या जाड़ों में जो स्लेब हमारा हमेशा गीला रहता है बर्तनों को रखने से, आप कपड़े पर भी रखेंगे तो उसे बार बार पोंछना पड़ता है हमें, लेकिन टब में रखेंगे तो आप बर्तन एक बार धुलकर इसमें रख दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि बर्तन सूख जाते हैं और बर्तनों का सारा पानी किनारे आ जाता है। अब आप इन बर्तनों को अलग कर लीजिए, एक कपड़े पर फैला लीजिए और आपका स्लेब सूखा हुआ है बिल्कुल, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं, स्लेब गीला नहीं होगा और सारा पानी जो टब में किनारे निकल गया है आप इसे फेंक दीजिए और आपका स्लेब हमेशा सूखा रहेगा। नेक्स्ट है इस तरह के जो मोटे कार्टन आते हैं जो थोड़े से हार्ड होते हैं, इन्हें आप फेंकिए मत, इन्हें आप यूज़ कीजिए एज अ ऑर्गेनाइज़र। आप ऐसे छोटे बड़े बॉक्स को स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे हमारा कॉर्नफ्लेक्स का बॉक्स है या ऐसे ही बिस्किट वगैरह के बॉक्स भी आते हैं, वो भी काफ़ी हार्ड और अच्छे होते हैं। इनको एज अ ऑर्गेनाइज़र आप रिमोट रखने के लिए, कुछ एनवलप्स रखने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट कागज़ रखने के लिए, यहाँ तक कि आप बच्चों के बुक्स वगैरह स्टोर करने के लिए या एक जगह रखने के लिए भी आप कर सकते हैं। बुक के रैक पर जो बुक हमेशा लुढ़कती रहती हैं, तो इनमें अगर ऑर्गेनाइज़ करके रखेंगे तो वो लुढ़केंगी नहीं और आपस में मिक्स नहीं होंगी, फटेंगी भी नहीं। तो इस तरह से इनके किनारों पर मास्किंग टेप लगा दीजिए। आप चाहें तो इसे और डेकोरेट कर सकते हैं कलरफुल पेपर लगा के, मैंने ऐसे ही रख दिया इसको,
अब इसमें कोई भी कागज़ आप रख दीजिए तो कबर्ड में इधर उधर नहीं बिखरेंगे ये। अब इसको जहाँ पर भी आपको रखना है वहाँ पर रख दीजिए और ये एक ही जगह पे आपको मिलेंगे। अगला हैक है, बाथरूम के शीशों पर इस तरह के पानी के धब्बे पड़ जाते हैं तो ये WD-40 नाम से एक स्प्रे आता है, ये घर के कामों में बहुत ही हेल्पफुल होता है। ये स्प्रे मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप चेक कर लीजिएगा। ये बहुत ही आसानी से हार्डवेयर शॉप पे या किसी भी मेगा स्टोर पे आराम से मिल जाएगा आपको। इसे आप स्प्रे करके और 2 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और फिर जब इसे आप रब करके ड्राई कपड़े से साफ़ करते हैं तो ये सारे स्टेन मिट जाते हैं। जहाँ पर हार्ड वाटर है या छोटे बच्चे हैं जो उछल कूद करके नहाते हैं तो शीशों पर थोड़े दाग तो हो ही जाते हैं। देखिए कितना अच्छा क्लीन हुआ है ये और बाथरूम की शीशा बिल्कुल साफ़ हो गया है, अब इस पर कोई दाग नहीं है। अब इतने काम के बाद अपने हाथों को भी देखना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं बना रही हूँ एक हैंड क्रीम। इसमें डालिए ग्लिसरीन 1 चम्मच, 1 चम्मच कैस्टर ऑयल, एलोवेरा जेल 1 चम्मच, 2 चम्मच आलमंड ऑयल, आप चाहें तो जैतून का तेल भी ले सकते हैं, 1 चम्मच डालिए गुलाब जल और ये 2 मैंने विटामिन ई की कैप्सूल ली है, ये किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको आसानी से मिल जाएगी, इससे स्किन बहुत ही अच्छी रहती है। अब इसे हमें मिक्स कर लेना है और जैसे ही आप मिक्स करेंगे ये वाइट कलर का बिल्कुल बॉडी लोशन जैसा क्रीम बन जाएगा। ये देखिए वाइट हो गया, अभी सारा ट्रांसपेरेंट जो दिख रहा था ये सारा वाइट हो गया। अब आप इसे हाथ पर मसाज कीजिए और जब भी आप पानी का काम करें या सर्फ साबुन का काम करें उसके बाद आप इसे लगा लीजिए। आपको ये टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आगे की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।